आज यूपी बीएड 2019 का रिजल्ट घोषित हो गया। इस समय सबसे पहले आप अपने मार्क्स दे सकते हैं, उसके बाद कल आप रैंक दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आप यूपी बीएड, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं upbed.upbed2019.in पर जाएंगे तो ये आपके पास साथ वेबसाइट खुलकर सामने आएगी, ठीक है। फिर इस वेबसाइट के बाद आपको जाने विशेष नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है यूपी लॉगिन, देखिए मैं आपको दिखा रही जूम करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट लॉगिन। तो कैंडिडेट लॉगिन पर जाएंगे, देखिए ना यहाँ पे है कैंडिडेट लॉगिन, तो कैंडिडेट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, दिखा रहे हैं आपको कैंडिडेट लॉगिन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने खुलकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो तरह से है, एक तो है रजिस्टर्ड फॉर न्यू यूजर, दूसरा है साइन इन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। तो आप पहले साइन इन पर करेंगे सेकंड पे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रोफार्मा खुलेगा, ठीक। प्रोफार्मा खुलने के बाद नॉट बिफोर लॉगिन, इसको क्लोज करिएगा। फिर यहाँ पे आप डालेंगे यूजर आईडी एंड इंटर पासवर्ड। जब यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास आपका फॉर्म का प्रोफार्मा खुलकर आएगा, ठीक। जैसे फॉर्म का प्रोफार्मा खुलकर आएगा तो आप फॉर्म प्रोफार्मा खुलने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक यहाँ पर रहेगा एक यहाँ पर न्यू रहेगा। तो जो वहाँ पर न्यू रिजल्ट के लिए रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपका एक रिजल्ट का सामने प्रोफार्मा आ जाएगा, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों के मार्क्स आपको दिए रहेंगे। उसके बाद रैंक आपको कल शो करेगा, पहले फर्स्ट पेपर के मार्क्स सेकेंड, तो दोनों जोड़कर आपको मार्क्स दिए रहेंगे और ऊपर आपका नाम रहेगा। इस प्रकार आप बीएड का रिजल्ट देख सकते हैं और इसे सभी साथियों को शेयर करें ताकि सभी अपना बीएड का रिजल्ट देख